और गोरखपुरिया भौजी वहाँ पे अयोध्या पहुँची, लेकिन उस एड्रेस पे नहीं पहुँची जहाँ राधाराज और चंदा दीदी इंतजार कर रही थी, क्योंकि ये धोखेबाज। ऐसी चप्पल दूसरे के पास नहीं है, हमारे पास भी है, देख लो, ठीक है, और सबके पास है। तुम्हारी लड़ाई चंदा दीदी से है और राधाराज से है। अगर जो अन्य यूट्यूबर, हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, चंदा दीदी और राधा दीदी और गोरखप्रिया भौजी, इन तीनों लोगों का आज मिलन होने वाला था अयोध्या में, राम जी की नगरी में, ठीक है। तो जैसा कि आप सबने कल लाइव में देखा ही होगा, चंदा भाभी भी लाइव थी और गोरखपुरिया भौजी, और गोरखपुरिया भौजी लाइव में आकर के इतनी गंदी इतनी घिनौनी गाली दे रही थी कि जो मेरे बारे में वीडियो बनाएगा उसका मांग उजाड़ देंगे, उसके बच्चे को खा जाएंगे। तो उसको मैं कहना, चप्पल दिखा रही थी, ठीक है, तो उसको मैं ये कहना चाहती हूँ, तुम्हारे पास यानी कि और किसी यूट्यूबर को तुम गाली दी तो तुम्हें ऐसी ऐसी गालियाँ मिलेंगी ना कि तुम कभी सोच भी नहीं सकती हो, ठीक है। और दोस्तों, इन लोगों को कल लाइव में जब गाली वाली ख़त्म हुआ तो इनका प्लान बना कि हम अयोध्या आ रहे हैं मिलने के लिए, ठीक है। तो ये मिलने के लिए अयोध्या बोले कि हम मिलेंगे राधाराज से, ठीक है। तो ये राधाराज से मिलने के लिए अयोध्या गई, तो टाइम था कि 12 बजे तक हम अयोध्या पहुँच जाएंगे। गोरखपुरिया भाजी 12 बजे तक अयोध्या पहुँच गई, फिर उसके बाद राधाराज का भी और चंदा भाभी का, दीदी का टाइम था कि 2 बजे हम अयोध्या में मिलेंगे, पता नहीं कौन सा पार्क में, ठीक है। तो वहाँ पे सब मतलब ये टाइम से पहुँच गए, अपने 2 घंटे पहले ही ये लोग पहुँचे कि आओ हम इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन गोरखपुरिया भाजी वहाँ पे नहीं पहुँची। वो कहा हुआ था ना, हथिया आयल हथिया भल सोर भल, फिर पता नहीं काबल के हथिया, अब वह आगे बोलेंगे तो ज़्यादा होगा, ठीक है। तो वह हाल है, तो चलो एक बजे सब लोग पहुँच गए, चंदा दीदी और राधाराज और सभी लोग, मतलब सबूत लेकर के गोरखपुरिया भाजी के खिलाफ वहाँ पहुँच गए थे अयोध्या में, जिस पार्क में वो लोग बुलाए थे, ठीक है। लेकिन वो लोग वीडियो पर वीडियो बनाते गए कि चंदा भाभी की तरफ से वीडियो आया, हम पहुंच गए हैं, इतना देर से इंतज़ार कर रहे हैं, आप आओ। तो इनके तरफ से क्या वीडियो जाता है, गाना पे लगा करके रील बनाई है, दुश्मनों के ऊपर गदा बरसाएंगे। तो जाओ ना, फट गई क्या, क्यों भाग गई? और तुम तो कह रही थी कि राधाराज भाग रही है, हमको तो लग रहा है तुम ही छुप गई जा करके। और एक बात और कहना चाहेंगे, वहाँ पर ये 1 बजे से लेकर के 3 से 4 बजे तक, 5 बजे तक इंतज़ार की हैं राधा और चंदा भाभी और लोग यूट्यूबर जो आए थे, वो लोग भी अपना बाल बच्चा छोड़ करके आए थे, वो लोग भी इंतज़ार किए इस कुतिया का। लेकिन ये कुतिया वहाँ पे टाइम से नहीं पहुँची, क्यों नहीं पहुँची, क्योंकि ये चोर है, और चोर है, चोरी करी है तो चोरी कैसे सामने जाएगी, मुँह दिखाने के तो काबिल है नहीं, हाँ मुँह दिखाने के तो काबिल है नहीं कि वहाँ पहुँची है, हाँ इसके गाँड में तो दम है नहीं, और इसके जो चमचे भोंक रहे हैं ना, अरे बेटा सुधर जाओ ना, और नहीं तो किसी दिन ऐसे रेले जाओगे ना कि अवकाश सामने आ जाएगी, ठीक है। अरे गोरखपुरिया भाजी पता है क्या करती है, दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक चलाने की कोशिश करती है, औकात गाँड में दम है तो खुद के करना, दूसरे पे क्यों कर रही है, कड़कता क्यों दिखा रही, मेरा बेटा आया सुंदर कहीं की, तुझे दम है तो तू, तू पहले नंबर जो गालियाँ दी है ना, तेरा मांग उजार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, हाँ भगवान से डर, हाँ तू जितना कुकर्म की है ना, इतना पाप की है ना, भगवान ना करे तेरा ही मांग उजड़ जाए, तो दूसरे का क्या उजारी दी कुतिया, तो अपना मांग और अपना बच्चा बचा। मान लिए चंदा दीदी राधा दीदी तेरे पे झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वो जो कौन सा बाबा है जो तू कल लाइव में बता रही थी, वो तो झूठ नहीं ना बोलेगा, वो तो लाइव आकर के बताया, जो स्ट्राइक दिए थे भैया वो लाइव आकर के बताया कि तू सच में पैसा दी थी उनको, उन्होंने खुद बताया अपने मुंह से, हाँ कि हाँ तू उनको पैसा दी थी स्ट्राइक मानने के लिए, अब तुझे क्या चाहिए, जा उनसे मुकाबला करना, क्यों नहीं दे उनके लिए एक शॉर्ट वीडियो बना करके जवाब बोलना, दूसरे को तो बड़ा गाली देती है, और तेरे गाँव में दम था तो तू उसके जगह पर क्यों नहीं पहुँची, समय से क्यों नहीं पहुँची चंदा भाभी के पास, जब वो लोग उससे पहले ही वहाँ पहुँचे थे तो तुम्हें तो उन लोगों के साथ में ही पहुँचे थे अयोध्या में, तेरा भी वीडियो आया था, तो फिर उनके पास क्यों नहीं पहुँची, क्यों तू दूसरे, हाँ एक बाबा हैं अयोध्या के, उनको मैं प्रणाम करती हूँ, पढ़ चुके यहीं से राम की नगरी के बाबा हैं, और उनके यहाँ गई हैं, माना कि तुम उनके आशीर्वाद लेने गई हो,
राम का दर्शन करने गए, तो तुम दर्शन करके उनका आशीर्वाद लेकर के तुम्हें निकलना चाहिए ना, जिस काम से गई हो उनका काम वो जरूरी है ना तुम्हें ज़्यादा करके, क्योंकि तुम्हारे लिए टाइम निकाल के और भी लोग आए हैं तुम लोगों के लिए। हाँ, लेकिन तुम नहीं गई, अब तुम क्या कह रही हो, अब तुम यहाँ आओ बाबा के यहाँ, क्यों तुम्हारे गांड में दम नहीं है क्या वहाँ जाने का, औकात नहीं है क्या, तेरे पछवाड़े में दम नहीं है क्या, या तेरे जो चार बेटे गए हैं उनके पछवाड़े में दम नहीं है, बदतमीज कहीं की। दोस्तों ये वीडियो इसी के लिए था कि ये इतना झूठी है ना, इतना झूठी है ना, झूठ बोलती है, और ये जितने लोग इसके खिलाफ वीडियो बनाते हैं, सच्चाई के सामना करते हैं, उनकी आवाज़ दबाना चाहती है गाली दे करके, और गाली इतनी गंदी गंदी गाली देती है, इतना गंदा गंदा गाली देती है कि सच में ये पता नहीं किस जात की है, समझ में ही नहीं आता है। अच्छा, जात की तो हम बात नहीं करते, बट पता नहीं किस जात की है, समझ में ही नहीं आता है। इसके नस्ल इसका कैसा है, इसका इसके अंदर पता नहीं किसका खून है, पता नहीं किस कुत्ते का, कि इतनी गंदी गंदी गालियाँ देती है। गाली सबको आता है बेटा, ठीक है, लेकिन तेरे जैसे इतना भी बदतमीज नहीं है कि यूट्यूब पे ही ऐसा गंदगी फैलाएं। दूसरे को अश्लीलता कहती है, तू क्या कर रही है रे, तू भी तो ये कर रही है, राधा राज से तू लड़, दूसरे यूट्यूबर को क्यों गाली दे रही है, जो मेरे बारे में वीडियो बनाएगा उसको चप्पल से मारेंगे, मेरे हाथ में दही जमाया हुआ है और दूसरे के हाथ में दही जमाया हुआ है, वो तुझे नहीं मारेंगे, बता, वो तुझे नहीं मारेंगे, औकात रहे ना, तो जा करके मिल ले, गए हैं तेरे दामाद लोग मिलने के लिए तुझसे अयोध्या में, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक है, चंदा भाभी राधा राज बुलाएं गोरखपुरिया भौजी।